टू माई चैनल, मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट की कुर्तीज का हॉल जो है अंडर 300। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला था, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आई थिंक एनमी ब्रांड की जो फ्लिपकार्ट की कुर्तीज आती है उसका वीडियो कीजिए। तो ये जो है सारा कलेक्शन प्लस की ये कॉटन और रेयन में है, अंडर 300 में है, साथ में क्रैप मटेरियल नहीं है, तो आप इसको समर में भी पहन सकते हो। वो टाइप का इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, तो मैं वीडियो में आके बताऊंगी। और ये वीडियो इतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मैन कलेक्शन का भी रिव्यू कीजिए, तो इस वीडियो में मैं मैन कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ और फीमेल कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके इतना शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। मेरी हाइट 5'3" है, जनरली मैं एल साइज बाय करती हूँ, आप लोगों को हेल्पफुल रहे इसीलिए बता देती हूँ। सारों की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कीजिए। अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कुर्ती है वो इस तरह की है, ये वाली कुर्ती, ये सारी आई थिंक एनमी ब्रांड की है। तो ये जो कुर्ती है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये रेयन मटेरियल में है, प्लस 300 वो की इसकी प्राइस है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको आप एवरीडे में भी वेयर कर सकते हो और आप इसको फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हो, वो टाइप की है। इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, जैसे आप देख रहे हो वैसे इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है गाइस। 300 में ये मिल रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, मतलब कि पैसा वसूल वाली क्वालिटी है इसकी। इसकी स्लीव देखते हैं तो इस तरह की है, स्लीव में यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा सिल्वर वर्क मतलब सॉरी सिल्वर प्रिंट जो होती है वो की गई है, जैसे गोल्ड प्रिंट होती है, गोल्डन प्रिंट होती है, वैसे ही ये वाली जो है वो सिल्वर प्रिंट है इस तरह की। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ आप सिल्वर कलर की या ऑक्सोडाइज ज्वेलरी पैरअप करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इस तरह की है, दूर से ऐसी लगती है पूरी ऊपर से नीचे तक, बहुत ही प्यारी है। इसका फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। बैक साइड देखते हैं इसकी, तो बैक साइड पूरी प्लेन है और फ्रंट साइड में आपको पूरी सिल्वर प्रिंट मिल जाएगी इस तरह की। तो मेरी तरफ से ये वाली कुर्ती के लिए बिग थम्स अप है, ये वाली ब्रांड डेफिनेटली गाइस आप चेकआउट कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि अफोर्डेबल है और साथ में उसकी कलर प्रिंट वगैरह भी इतनी ही प्यारी है। उसके बाद दूसरी है, वो भी आई थिंक वही ब्रांड की है, इस तरह की है, मरून रेड कलर बोल सकते हैं वो टाइप की। ये अनारकली कुर्ती है और इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन का है और ये भी मुझे 300 अराउंड में कुछ मिली है, जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। इसका नेक देखेंगे तो ऐसा है स्काई ब्लू कलर का, थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल वाला जो आता है वो पैटर्न है यहाँ पे और प्रिंट दी गई है। स्लीव इस तरह की है, स्लीव में भी ऐसी प्रिंट है, ये गोल्डन प्रिंट है, यहाँ पे लाइट ग्रीन या स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू है जो नेक में दिया गया था वो, और ये ब्लैक कलर की प्रिंट है। बहुत ही प्यारी की इसकी जो स्लीव है बहुत ही अच्छी है, मुझे पसंद आई, दूर से इस तरह की लगती है। नीचे देखते हैं तो नीचे भी पूरा भरा हुआ है, गोल्डन प्रिंट वगैरह की गई है जिसकी वजह से कुर्ती का जो लुक है पूरा हैवी आता है और नीचे ब्लू बॉर्डर है तो वो पॉप अप होता है कॉन्ट्रास्ट कलर, तो उसकी वजह से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा सिंगल कलर होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है, अगर कॉन्ट्रास्ट एड होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। गोल्डन प्रिंट नीचे वाली जो है वो क्लोजअप में इस तरह की दिखती है, ऐसी आप देखिए, बहुत ही अच्छी है। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, इसके लिए भी आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, वो टाइप की है। इसका फ्लैट जो है वो भी मीडियम है, मीडियम से ज्यादा है गाइस, देखिए मीडियम से ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि कम है। बैक साइड देखते तो बैक साइड भी सेम वैसे ही प्रिंट दी गई है जैसे कि फ्रंट साइड में दी गई थी, इसकी वजह से पूरी कुर्ती हैवी हो जाती है। इसको आप एवरीडे में भी वेयर कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको फेस्टिवल में वेयर करना है या और छोटे मोटे फंक्शन में वेयर करना है तो भी कर सकते हो, वो टाइप की है। ये जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी है लेकिन डार्क कलर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरी तरफ से बिग यस है। उसके बाद जो है वो ये वाली कुर्ती, ये जो है वो मुझे पीक में बहुत ही अच्छी लगी थी,
एवरीडे के लिए बेस्ट है तो मैंने ले ली, और स्पेशली टीनेजर होते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी है। स्काई ब्लू कलर की है, कॉटन की है, अच्छा वाला कॉटन जो आता है वो है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी सी सेमी ट्रांसपेरेंट है, लिटिल लिटिल मतलब बोल सकते हैं, तो आपको इसके अंदर लाइनिंग चाहिए, इनर चाहिए। अदरवाइज इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, कॉटन का है, तो इसको आप गर्मियों में भी पहन सकते हो। ऐसी प्रिंट दी गई है एलिफेंट वगैरह की, जो राजा वगैरह होते हैं वो टाइप की जो आती है, रजवाड़ी टाइप की जो प्रिंट, राजा एंड हाथी एंड वो सारी प्रिंट वाली, तो बहुत ही अच्छी है। और थोड़ी सी डिफरेंट है, कलर भी स्काई ब्लू है तो कूल लगता है, मतलब अगर आप समर में गर्मियों में इस टाइप का पहनते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी इतना ही रहता है। और ये जो है वो अप एंड डाउन वाली है, आगे से देखेंगे आप तो इस तरह की है और पीछे से लंबी है और बहुत ही प्यारी है, मुझे पर्सनली ये पसंद आई। बस ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, वही प्रॉब्लम है, लाइनिंग चाहिए, अदरवाइज इसका फैब्रिक वगैरह प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको तो बहुत ही अच्छी है, आप ले सकते हो। मेरी तरफ से ये वाली के लिए भी मस्ट बाय है, तो ये तीनों की तीनों अच्छी है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैन कलेक्शन का, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दो टी शर्ट बाय की है, डेपर यूनियन करके ब्रांड है ये, आपको अमेजोन पे भी देखने को मिल जाएगी और आपको फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिल जाएगी। उनका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है गाइज, और 100% कॉटन टी शर्ट होती है और हर साइज में मिल जाएगी, साइज चार्ट भी वहां अवेलेबल है। 200 में 300 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, मैं आपको दिखा दी। इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही 200 समथिंग में मुझे ये पड़ी है, ग्रे कलर की है जैसे आप देख रहे हो इसको, आप एवरीडे में भी पहन सकते हो या आप वर्कआउट करने जाते हो तो भी पहन सकते हो, वो टाइप की है। ये ब्रांड जो है दोनों जगह पे है, इसके लिंक बाइंग लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। इस तरह की है, ग्रे कलर की, और यहाँ पे ब्लैक कलर का बीच में ऐसी स्ट्रिप है स्लीव में, और दूर से हम देखते हैं तो इस तरह की लगती है पूरी। और ये कॉटन की है तो स्किन फ्रेंडली है, आपको कुछ भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगा। 200-300 अराउंड रेंज में आपको ये टाइप की, ये ब्रांड की मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको डेफिनेटली ये ब्रांड चेकआउट करनी चाहिए। अगर आप मेल हो तो 200-300 में कुछ नहीं होता, और 100% मतलब की कॉटन मिल रही है, क्वालिटी आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने ही है। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे अवेलेबल है, एक ग्रे कलर है, दूसरा जो है वो मैंने ब्लैक कलर है बाय किया है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है हर किसी में चला जाता है वो टाइप का है। और अभी विंटर आ रहा है तो फुल स्लीव का कलेक्शन भी अवेलेबल है, और ये वाली है थोड़ी सी अलग है, आपको दिखाती हूँ। फुल स्लीव है और यहाँ से आपका थंब जो है वो बाहर आएगा, वो टाइप का, वहां पे पीक भी है, मैं यहाँ पे भी पीक अटैच कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से थंब भी आपका बाहर आएगा, मतलब कि विंटर में चलेगी, फुल स्लीव है तो स्टाइलिश ट्रेंडी लगेगी। इस तरह की है, यह ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में है, बहुत ही प्यारी है, 200-300 में मिल रही है। इसकी प्राइस तो ज्यादा है, यहाँ पे 949 लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो, बट अभी सेल चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो 200-300 में मिल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी ले लो, तो अभी आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी का, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से मस्ट बाय है, आप लोगे तो आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, ये वाली ब्रांड जो है, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है ये वाली ब्रांड के लिए। तो बस आज के वीडियो में यही था, ये तीनों कुर्तीज और ये दोनों टी शर्ट मैंने आपको दिखाई, कैसी लगी वो नीचे बताना। आज कुछ नया ट्राई किया था, बहुत लोग बोलते हैं कि मेल कलेक्शन भी लाइए, लेकिन मेल कलेक्शन के लिए मुझे ट्राई ऑन करना होता, ट्राई ऑन किसके ऊपर करके दिखाओ वही प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज मैं डेफिनेटली मेल कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करती। तो बस आज के वीडियो में यही था गाइस, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक।